Hello everyone. Welcome to Elites Grid. Today we will discuss a question that came in CAT 2022 related to para jumbles. So uh, these are the four sentences that you have to arrange in a particular sequence so that they form a paragraph which has a coherent meaning. So you know before we start this, let's have uh, some rules, some concepts that will be helpful in solving this question. First thing is that a general statement would always come before a specific one. I mean if I'm telling about a generic element it should always come before the specific element for example uh, you know if there are two sentences one is talking about vehicles general vehicles what they are and the second one is telling us that we have different types of vehicle let us say there are certain vehicles which run on fossil fuels some are those vehicles which run on electric electricity they are electric vehicles so this general thing that vehicles as a generic element would come बिफोर द स्पेसिफिक टाइप ऑल राइट पहले तो बताओगे कि वो चीज क्या होती है फिर उसके अलग अलग टाइप्स के बारे में बात करेंगे बिकॉज इट जस्ट वन ऑफ द सबसेट ऑफ दिस बिग से प्रॉब्लम वुड ऑलवेज कम बिफोर सोल्यूशन पहले प्रॉब्लम बताओगे प्रॉब्लम क्या है उसके अकॉर्डिंग सोल्यूशन बताओगी तो अगर टू सेंटेंसेज है जिसमें एक में प्रॉब्लम की बात हो रही है और दूसरा उसकी सोल्यूशन के बारे में बात कर रहा है तो प्रॉब्लम वाला हमेशा पहले आएगा सोल्यूशन वाला बाद में आएगा फॉर एग्जाम्पल इस एग्जाम्पल में देखते हैं कि फॉर एग्जाम्पल फॉसिल फ्यूल वाले जो कार्स होती हैं दे कॉज लॉट ऑफ पोल्यूशन दे कॉज लॉट ऑफ पोल्यूशन एंड दे कॉज क्लाइमेट चेंज ऑल्सो सो दिस इज द प्रॉब्लम अब दूसरी स्टेटमेंट ये हो सकती है कि यू नो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स कैन बी अ गुड ऑल्टरनेटिव ह्योर तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स एज सच इधर सोल्यूशन का रोल प्ले करेगा तो so, पहले हम प्रॉब्लम बताएंगे फिर हम सोल्यूशन बताएंगे ठीक है, द प्रॉब्लम दैट वोट बी लॉजिकल द थर्ड थिंग दैट यू हैव टू फोकस ऑन इज दैट फर्स्ट आई विल टेल द एक्जिस्टेंस ऑफ अ पर्टिकुलर थिंग ये ऑल्टरनेटिव भी हमारे पास है वी मैंशन इट कि वो चीज भी एग्जिस्ट करती है ये ऑल्टरनेटिव है और उसके बाद हम बताएंगे कि उसकी क्वालिटीज क्या है उसकी प्रॉपर्टीज क्या है फिर उसके बारे में यू नो डिटेल में बताएंगे पहले हम बताएंगे कि दिस थिंग ऑल्सो एग्जिस्ट उसके बाद हम उसकी प्रॉपर्टीज बताएंगे फॉर एग्जाम्पल यू नो इफ अ टीचर वॉन्ट्स टू टेल समथिंग अबाउट वन ऑफ हर स्टूडेंट्स तो पहले उसका नेम बताएगी कि देखो ये भी मेरी क्लास में एक स्टूडेंट है और फिर वो बताएगी यू you नो know, He is good in academics or he is good in music or whatever. So, first, you know, that thing exists, and then you will tell no, the detailed characteristics of that particular thing. So, mention will be first, qualities will be later on. Now, we have to apply these rules here, and then we'll find that this solution, this problem is actually very easy. So, let's start fish skin collagen has excellent thermostability and tensile strength, making it ideal for use as bandage that adheres to the skin and adjusts to body movements. so, yewala sentence. Kya bata this sentence is telling us about the qualities of fish skin collagen. Ya, applications of fish skin collagen. Hai? Ab, second sentence, collagen, one of the main structural proteins in connective tissues in human body. इज वेल नोन फॉर प्रमोटिंग स्किन रीजेनरेशन अभी ऑप्शन क्या बता रहा है कि वॉट इज कोलेजन कोलेजन क्या होता है अब फर्स्ट रूल क्या था कि स्पेस कि जनरल विल कम बिफोर स्पेसिफिक विल कम लेटर ऑन तो फिश स्किन कोलेजन की बात करने से पहले हम कोलेजन की बात करेंगे ना कि कोलेजन क्या होता है उसके बाद हम बात करेंगे कि अच्छा एक तरह का फिश स्किन कोलेजन भी होता है उसका एक टाइप है पहला बताओगे कि ओवरऑल वो चीज क्या होती है फिर उसके सब टाइप्स के बारे में हम बात करेंगे सो दिस मच इज क्लियर दैट सेकेंड स्टेटमेंट विल कम बिफोर फर्स्ट अब अब ये नहीं पता कि फर्स्ट विल कम इमीडिएटली आफ्टर सेकंड और नॉट बट इतना पक्का पता है कि सेकंड विल बी फर्स्ट एंड द फर्स्ट स्टेटमेंट विल कम ऑन लेटर ऑन तो लेट्स टॉक अबाउट थर्ड फिश स्किन स्विम्स इन हयर एस डिजीजेस एंड बैक्टीरिया डेट अफेक्ट फिश आर डिफरेंट फ्रॉम मोस्ट ह्यूमन पैथोजेंस अब ये स्टेटमेंट से देखो हमें ये फील आ रही है कि यू नो वी हैव अ कॉन्टेक्स्ट जिसके बारे में बात की जा रही है इससे पहले कुछ और सिचुएशन थी पहले कोई और प्रॉब्लम थी बिकॉज दे आर यूजिंग द टर्म स्विम्स इन ह्यर अब आती है फिश स्किन पिक्चर में तो मतलब कुछ तो पिक्चर पहले रही होगी कुछ तो कॉन्टेक्ट कुछ तो सिचुएशन पहले होगी जिसमें अब फिश स्किन के बारे में बात हो रही है अब उसका अराइवल है अब उसकी मैंशन की जा रही है तो दिस सेंटेंस इज टेलिंग यू नो अब आती है फिश स्किन पिक्चर में उसके डिजीज और बैक्टीरिया बहुत डिफरेंट है ह्यूमन वाले से नाउ लेट्स चेक फोर्थ क्या वो फोर्थ तो नहीं है जो इसका पहले वाला कंटेक्ट बता रहा है So let's check it. The risk of introducing disease agents into other species through the use of pig and cow collagen proteins for wound healing has inhibited its broader applications in the medical field. So, what is this statement telling us? This statement is telling us about some problem. इट इजिंग पिग और काम यूज नहीं कर सकते हैं उनकी बीमारियां भी ट्रांसफर हो जाएंगी बिकॉज वो सेम होती होंगी तो एंड बैक्टीरिया विल गेट ट्रांसफर इस वजह से हम उनको यूज नहीं कर पाते हैं और थर्ड बता रहा है कि फिश स्किन स्विम्स इन हेयर अब आती है फिश स्किन की बारी अब आती है फिश स्किन इस पिक्चर में क्योंकि उसकी जो डिजीज और बैक्टीरिया है वो इतने डिफरेंट है कि अगर वो ट्रांसफर हो भी जाए वो कोई असर नहीं करेंगे दे विल इन इफेक्टिव सो दैट दे आर सेफ तो मतलब फोर्थ इज टेलिंग अस अबाउट अ प्रॉब्लम कि हम ये ये चीजें यूज नहीं कर पाते बिकॉज एक रिस्क होता है डिजीज ट्रांसफर का और थर्ड इज टेलिंग अस अबाउट अ सोल्यूशन कि अच्छा ऐसा इश्यू है तो यूज फिश स्किन क्योंकि फिश स्किन की डिजीजेस बहुत अलग होती हैं जो हमें अफेक्ट नहीं करेंगी तो आई टोल्ड यू इन द सेकेंड रूल दैट प्रॉब्लम विल कम फोर सोल्यूशन पहले प्रॉब्लम होगी उसके अकॉर्डिंगली तो सोल्यूशन होगा पहले सोल्यूशन बता के फिर थोड़ी प्रॉब्लम बताते हैं so तो मतलब पक्का ऐसे ही आएंगे अब एग्जैक्टली exactly बाकी स्टेटमेंट इनसे आगे आएगी या पीछे ये नहीं पता बट इतना पक्का है कि फोर्थ स्टेटमेंट के इमीडिएटली बात थर्ड है बिकॉज फोर्थ इज टेलिंग एस अबाउट अ प्रॉब्लम और थर्ड उसका सोल्यूशन है अब हमें यह डिसाइड करना है कि फर्स्ट की क्या लोकेशन होगी देखो थर्ड रूल क्या था रिमेंबर द थर्ड रूल दैट फर्स्ट ऑफ ऑल वी टेल दैट थिंग एग्जिस्ट फिर उसके बाद में हम डिटेल में उसके कैरेक्टरिस्टिक्स या उसकी प्रॉपर्टीज बताते हैं पहले तो बताओगे ना वो है वो एक चीज एग्जिस्ट करती है तो अब फर्स्ट में वी आर टेलिंग अबाउट द क्वालिटीज ठीक है थर्ड में वी आर टेलिंग अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ फिश स्किन ये एग्जिस्टेंस बता रहा है कि फर्स्ट टाइम ये ऑल्टरनेटिव भी हमारे पास है तो मतलब हमारे पास अब देखो दो ऑप्शन है सबसे पहले चारों में से सेकंड आएगा ये हमें पक्का पता है क्योंकि बाकी सब बात कर रहे हैं कि कोलेजन कभी कोई कह रहा है फिश स्किन कोलेजन साम्पिटी सेबाउट यू नो कोलेजन पिक कोलेजन सबसे पहले तो ये बताएंगे ना कोलेजन क्या है फिर उसके बारे में बात करेंगे कि उसके क्या क्या टाइप्स हैं क्या क्या सब टाइप्स हैं क्या इश्यूज हैं क्या सोल्यूशन है पहले तो बताओगी कोलेजन क्या है तो, तो दैट मीन्स सेकंड स्टेटमेंट सबसे पहले आएगी नो डाउट अबाउट इट और फोर्थ और थर्ड पक्का एक साथ आएगी ये भी हमें पता चल गया तो अब हमें डिसाइड करना है कि वन कहाँ आएगा या तो वो इधर आ सकता है या फिर वो लास्ट uh, में आ सकता है सेकेंड फोर्थ थर्ड के बाद वन तो हमें अब इन दोनों में से डिसाइड करना है अभी बताया कि देखो फर्स्ट इज टेलिंग अस अबाउट द क्वालिटीज ऑफ फिश स्किन्स एंड थर्ड इज शनिंग दैट यू नो फिश स्कैन ऑल्सो एग्जिस्ट फिश स्कैन भी एक ऑल्टरनेटिव है तो पहले हम उसकी एग्जिस्टेंस बताएंगे कि देखो ये भी एक चीज है उसके बारे में फिर बाद में डिटेल में बताएंगे सो दैट मीन्स फर्स्ट शुड कम आफ्टर थर्ड स्टेटमेंट बिकॉज फर्स्ट इज द डिटेल कैरेक्टर स्टिक्स ऑफ द थर्ड वन थर्ड में जो चीज बताइए उसी के बारे में फर्स्ट डिटेल में बता रहे हैं तो मतलब फर्स्ट लास्ट में आएगा दैट मीन्स दिस इज नॉट द करेक्ट आंसर द करेक्ट आंसर इज दिस वन टू फोर थ्री वन

कि वो भी एक ऑल्टरनेटिव एग्जिस्ट करता है फिर हमने उस ऑल्टरनेटिव की डिटेल्स बताई ना दिस इज अ वेरी कॉमन स्ट्रक्चर दैट यू विल फाइंड इन मेनी क्वेश्चन और इसका हमने पहले एक दूसरे एग्जाम्पल से भी समझा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के एग्जाम्पल से कि पहले हमने बताया कि यू नो देर आर व्हीकल्स सबसे पहले जनरल चीज व्हीकल्स होते हैं फिर उसमें अलग अलग टाइप्स हो सकते हैं आपके फॉसिल फ्यूल्स वाले व्हीकल्स इलेक्ट्रिक वाले व्हीकल्स ठीक है अलग अलग टाइप थे तो हमने एक टाइप की बात की फॉसिल फ्यूल वाले व्हीकल फिर हमने उनकी प्रॉब्लम बताया कि यू नो देखने बताया कैन यूज इलेक्ट्रिक व्हीकल्स क्योंकि वो भी हमने बताया कि एक अच्छा ऑल्टरनेटिव है और वो इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी है फिर हमने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की डिटेल में बताया कि यू नो दिस इज द टाइप ऑफ बैटरी दे विल रिक्वायर दिस विल बी दी एप्लीकेशन एक्सेट्रा एक्सेट्रा सो यही पैटर्न हमने इस एग्जाम्पल से भी समझा और यही पैटर्न हमने इस क्वेश्चन में भी सॉल्व किया सो आई होप आपको सबको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा थैंक्स यू लॉड फॉर वॉचिंग एंड हैव ए नाइस डे थैंक यू